हाँ पुरातन लाइफ के लिए लाइफ चल रहा है। हाँ छाता ना आगे तू आगे जाके तो बुरा राधा कुंड। हाँ ये राधा कुंड। जीव गोस्वामी वगैरह ठीक है और वो सब इनसे शिक्षा लेने आते थे। चलो बाय बाय।
मज़े बहुत आ गए हैं। आगे जाओ, ये शशि कलर ऐसे ही सोना सेम शशि कलर नहीं, देखने तो दो लोग हैं, ये कौन है सोनू सिंह और शशि कलर। नंदलाल पंडित जी क्या करूं क्या चाल है आराम से आना भाई, सब लोग ठीक है ना, इसको पता नहीं स्वभाव से भाई। ओ रे ये तो मैं कह रहा था, आप पीछे जा, पीछे जा, साइड हो जा, चलो चलो बाबा सेवा पूजा करते
उसका है, समाधि नहीं है। हाँ भजन कुटी, भजन कुटी समाधि, तो तीनों एक ही जगह। ठीक, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। लाइव ले रहे हमारी, ये हमारे ग्रुप में एड है, के अनुगत्य में श्री गोवर्धन परिक्रमा करते करते जहाँ पर पहुँचे हैं, इस स्थान का नाम है राधा कुंड। क्या नाम? राधा कुंड। राधा कुंड, जो राधा कुंड है ये कोई साधारण कुंड नहीं, इसलिए विष्णु पुराण में बताया, विष्णु पुराण में बताया, जथा राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेश सर्वैका विष्णु पर बताई, जो कुंड है वो कुंड नहीं राधा रानी स्वयं जो कुंड रूप में प्रकट हुआ है, इसलिए जो कृष्ण कुंड है वो कृष्ण कुंड नहीं, ये कृष्ण स्वयं कुंड रूप में प्रकट हुआ है। यदि ये प्रकट कैसे हुआ है, कहते एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में गया चलाते चलाते आए, और गोपियाँ भी अपना सहेलियों के साथ में राधा रानी भी आई, इतने में एक वृषभासुर था, अरिष्टासुर बड़े जोर से आक्रमण, इतने में गोपियों ने चिल्ला लगे बचाओ बचाओ, पर कृष्ण सामने आ करके उन्होंने अरिष्टासुर को वध कर दिया। जब वध कर दिया उसने का जो बेस था वो था बेल का रूप, जब उन्होंने वध कर दिया कृष्ण, कृष्ण जब फिर गोपियों के साथ में मिलने के लिए गए, बोले नहीं तुम अब हमारे साथ में खेल नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने एक गो हत्या कर दी, बैल को मार दिया। कृष्ण बोले बैल का तो राक्षस था, बोले जो कुछ क्यों नहीं हो उतना रूप था बैल का ना, इसलिए आपको गो हत्या के पाप लगे। कृष्ण बोले बता फिर मेरे क्या करनी चाहिए, बोले पृथ्वी में जितने सारे क्रिया थे मैं स्नान करूँगा तो तुम्हारे पाप श्रेष्ठ हो जाए। कृष्ण बोले मेरे कहीं जाने का जरूरत नहीं, इतने में कृष्ण अपना बंसुरी से उन्होंने, इसलिए इस तरह जो कुंड है वो बंसुरी से भगवान ने कुंड उत्पन्न, और बहुत करके सारे तीर्थ ने स्मरण किया, तो पृथ्वी में जितने सारे गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जितने तीर्थ शब्द है सब साक्षात रूप में प्रकट हुए। बोले प्रभु हमारी अहोभाग्य है, आज हमें आपने स्मरण किया, मतलब आपने क्या सेवा की, बोले तुम लोग को द्रवीभूत होकर पानी रूप में ये कुंड में प्रवेश किया, सारे कुंड उसमें प्रवेश किया, प्रवेश किया तो कृष्ण स्नान स्नान किया, तो अभी सखियों ने देखा कृष्ण का तो बड़ा कुंड बन गया, लेकिन हमारे ईश्वर जी का अरिष्टासुर अपना खूर से कुछ बना दिया था, लेकिन उन्होंने कंगन से उन्होंने कुंड बनाए पानी में। कृष्ण ने कहा मेरे कुंड का पानी ले, गोपियों ने कहा हम इतने छोटे थोड़ी है, तुम कुंड में नहाया तुमको गो हत्या के पाप लगा तो सारे पाप उसे, हम ऐसे पानी नहीं लेते। बोले पानी फिर कहाँ से लाओ, मानसिक कहाँ से लिया, हम हजार करोड़ गोपियाँ सब कल से लेकर चल ले लेंगे। इतने में कृष्ण ने इशारा किया, देखो तीर्थों तुम लोग तो मेरी कृपा तुमको मिला, लेकिन अगर राधा रानी की कृपा नहीं मिलेगी ना तो मेरी कृपा पूर्ण रूप में नहीं, राधा जी का भी कृपा लो, क्या अगर मैं स्ट्राइक कर रास्ता में लेट गया, सौर्य तीर्थ रास्ता में लेट गए, और राधा रानी की बड़ी सुंदर स्तुति थी, बोले मनिंद्र बिंद ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगति कदा करिये मां कृपा कटाक्ष भाज। उन्होंने स्तुति की, राधा रानी प्रसन्न हो गई, बोले क्या चाहते हो, बोले हमें भी अपना सेवा में स्वीकार करो, ठीक है जाओ तुम लोग कुंड में प्रवेश करो। कृष्ण ने क्या किया, अपना कुंड से ना राधा कुंड तरफ में बीच में उन्होंने छेद कर दिया, और जितने कृष्ण कुंड का पानी छोड़ राधा सारे मिसाने और दोनों बराबर हो गए, ऐसे जो बीच में जो स्थान संगम है
कभी इधर राधा रानी, इस तरफ कृष्ण कृष्ण है और बीच का स्थान संगम, मतलब राधा कृष्ण का ये जुगल है। हाँ, ये जुगल जो संगम मतलब होता है उनका जो मिलन है। अभी तो कुंड प्रकाशित तो हो गया, इतने में श्री पौर्णवासी देवी वृंदा देवी का आदेश दिया, बोले इतने सुंदर ये कुंड को बनाओ जैसे ये पृथ्वी का सबसे सुंदर बीच है। वृंदा देवी ने सुंदर बता बता फूल जूई चमेली केतकी मालती माधवी सुंदर हर उन्होंने सजा दी और सुंदर फालों की सुंदर राजहंस क्रीड़ा करते थे। चार तरह का कमल, श्वेत कमल, नील कमल, लाल कमल और उसमें पीला रंग का कमल खिला हुआ रहता था उसमें, और चार ही कोने में उन्होंने सुंदर झूला डाल दिया। हाँ, कदम के पेड़ में, आम के पेड़ में, बबुल के पेड़ में सुंदर उन्होंने चारों तरफ में झूला डाल दिए। राधा कृष्ण जब झूलते तो उनका परछाई पड़ता था, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं चिंता मणिमय राधा कुंड तत ताहे कुंज सत सतम। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जो वृंदा जो राधा कुंड श्याम कुंड है, बोले चिंता मणिमय कैसे बना हुआ, बोले चिंता मणि से बना हुआ है, इसलिए सुंदर सुंदर उन्होंने ताहे कुंज सत सत सौ सौ कुंज, राधा रानी का कुंज है, ललिता कुंज, विशाखा कुंज, आनंद मंजरी का कुंज है, सारी तरह के कुंज ही कुंज ही, कैसे कुंज बनाए, कोई कुंज का रंग पीला, कोई कुंज का रंग लाल, कोई कुंज का रंग हल्दी वर्ण, इतनी सुंदर कैसे कुंज बना हुआ। कहते हैं सुंदर फलों फूल दिए पत्ते से कहीं फूलों से, और ऐसे कुंज का रंग जैसे जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए कुंज में राधा कृष्ण को लीला कर रहे हैं, आप यहीं भी खड़े होगा ना अंदर में क्या हो रहा है तुम समझ नहीं सकते, वो दिखेगा नहीं, वो जब अंदर में कोई प्रवेश करते कुंज का रंग और उनका रंग बराबर हो जाता है, इसलिए कोई देख नहीं सकते इस अद्भुत उन्होंने यहाँ पर लीला की। यहीं पर राधा कृष्ण तो मध्यान्ह लीला यहीं पर आकर करते थे, कृष्ण सखियों के साथ में कभी जल विहार करते थे, कभी मधुबान, कभी कभी नौका विलास में, कभी सुंदर सुंदर यहीं पर कृष्ण सारी सुंदर सुंदर लीला की। इसलिए हमारे शास्त्र ने बताया वैकुंठ जनित बड़ा मधुर, हम रूप गोस्वामी कथा सुन रहे थे ना, रूप गोस्वामी ने कहा जगत में सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ लोग, उससे श्रेष्ठ स्थान में, बोले उससे श्रेष्ठ क्या, बोले मथुरा, बोले दीप क्यों, बोले जहाँ पर भगवान का जन्म होते हुए जन्म है, बोले उनसे श्रेष्ठ किया, बोले वृंदावन का भगवान जहाँ पर दिव्य रास रचाए, बोले उनसे श्रेष्ठ किया, बोले गिरिराज गोवर्धन, क्यों गिरिराज गोवर्धन कृष्ण स्वयं प्रिय गिरिराज रूप में कृष्ण स्वयं प्रकट हुए हैं, कृष्ण अभिवृद्ध हरिदास में सर्वश्रेष्ठ श्री गिरिराज, बोले उनसे श्रेष्ठ किया, बोले राधा कुंड और श्याम कुंड उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जो राधा कुंड श्याम कुंड का जो उनका दो आँखें जैसे शरीर तुम्हारी है, लेकिन अगर पूरा शरीर ठीक लेकिन तुम्हारे आँख अंधा बेकार, इसलिए एक व्यक्ति का जो मूल जो अंग जितने सारे अंगों में सर्वश्रेष्ठ होती है आँख, इसलिए कहते आँख है, जैसे किस चीज़ व्यक्ति को देखो तो व्यक्ति दुखी ना सुखी कैसे पता चलता है, आँखों से, आँखों से पता चल जाएगा ये दुखी ना सुखी है, इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड ये दोनों उनकी आँख हैं, ये सर्वश्रेष्ठ स्थान श्री राधा कुंड श्याम कुंड, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जगत में से कौन सा व्यक्ति नहीं होगा जो रे राधा कुंड श्याम कुंड का आदर नहीं किया, प्रेम नहीं करेगा, इसलिए कहते क्यों श्रेष्ठ कारण किया है, बोले तीन चीज किसी व्यक्ति का अगर श्रेष्ठ तो समझना तो तीन विषय पर विचार करना चाहिए, बोले तीन विषय क्या है, बोले पहला नंबर है स्थान, स्थान स्थान मतलब कि जगह क्या है, बोले श्री राधा कुंड श्याम कुंड कृष्ण राधा रानी के रूप में प्रकट है और जिन दोनों आँख है स्थान, बोले काल, काल मतलब यहाँ पर कौन सा लीला, भगवान के आठ अष्टजाम में, भगवान अष्टजाम में आठ पीरियड में अलग अलग लीला करते हैं, और जो राधा कुंड श्याम कुंड जो दोपहर का जो लीला है, कहते हैं यहाँ पर जब भगवान लीला करते हैं कोई जाम ढाई घंटा कोई तीन घंटा, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा समय यहीं पर ठाकुर का लीला होता है, जब लीला करते हैं यहाँ पर एक विशेष महत्व, जैसे कृष्ण और कोई लीला करें ना उनका जो सास और जटिला कुटिला कभी आ सकती है वो कभी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जब लीला करते हैं ना स्वच्छंद रूप में यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, निर्विघ्न रूप में यहाँ पर ठाकुर जी लीला करते हैं। कहते पात्र, पात्र मतलब उनको साथ में जो लीला करने वाले, कहते कृष्ण का चार तरह का गोपियाँ हैं, तटस्थ विपक्ष स्वपक्ष और सूर्य करते हैं,
लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष का जो गोभी वाली है, हाँ चंद्रावली का जो एंटी पार्टी वाला, इनको कोई प्रवेश नहीं। यहाँ पर तो केवल राधा पक्ष जितनी गोपियाँ हैं उनकी लीला में जो मदद करने वाले, राधा कृष्ण जुगल सेवा में जो मदद करने वाली जो गोपियाँ, तो उनकी ही यहाँ पर प्रवेश, और किसी का यहाँ पर प्रवेश नहीं। इसलिए यहाँ पर जितने सब लता पता जितने सबके सब क्या है, सबके सब यहाँ पे लता पता राधा रानी के भाग में विभाग, सबके सब राधा रानी ही, ये लता पता वृक्ष रूप में श्री राधा रानी प्रकट कर। इसलिए ये राधा कुंड श्याम कुंड का सर्वश्रेष्ठ स्थान, लेकिन धीरे 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 काल प्रभाव से धीरे 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 जब ये खत्म होने जा रहा था, कृष्ण तो द्वापर युग में परंपरा, जब श्रीमद महाप्रभु यहाँ पर आए, सब जानते हैं महाप्रभु कहाँ पर क्या लीला हुई, किसको पता नहीं राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ पर। इतने में महाप्रभु यहाँ पर आकर के देखा तो छोटे छोटे कुंड खेत के अंदर, महाप्रभु ने पूछा भी यही कुंड का नाम क्या, बोले इसका नाम काली खेत, इसका नाम गौरी खेत। तो महाप्रभु कृष्ण को स्वयं लीला की, बोले काली खेत नहीं है कृष्ण कुंड, बोले गौरी राधा रानी है, गौरी खेत नहीं है श्री राधा कुंड। महाप्रभु आकर के आत्मा दिया, सरोवर पानी दिया, स्नान किया और उन्होंने राधा का श्याम प्रकट किया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी यहीं पर भजन कर रहे थे, हैं जब राधा कुंड श्याम कुंड बीच में बैठ कर के भजन करते थे, एकदम कड़ी धूप में राधा रानी स्वयं आकर के अपना अंचल को हिला करके सर को पड़ने से खड़ी रहती थी छाया, और पास में बाघ पानी पीते थे। एक दिन बड़े भैया सनातन गोस्वामी देख करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले, रघुनाथ तुम क्यों राधा क्यों करते रहते हो, क्या देखा, बोले मैंने देखा तेरे पीछे राधा रानी खड़ी होकर तेरी छाया कर रही थी और पास में बाघ पानी पी रहे थे, राधा रानी को कष्ट होता है इतना कष्ट कर दिया करो। तो अभी जो प्रणाम कर गए ना, फिर उनके लिए उनके छोटी सी झोपड़ी सी मिलकर उन्होंने झोपड़ी बना दिया और वहीं पर रखकर वो भजन साथ में करते, और यहीं पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ करके रचना करते थे। गुलाब छोड़ दिया तन्ना इनके, इसलिए स्थान
सर्व पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ हम लोग यहाँ पर आए, प्रणाम करो, प्रणाम करो, राधा कुंड श्याम कुंड की जय, राज गोवर्धन नाथ की जय, जय जय श्री राधे। श्याम कुंड का दर्शन होगा क्यों नहीं होगा? अंदर में लेंगे यही बचा है। राधा कुंड के अंदर में सुरभि कुंड है, रावत कुंड, गोविंद कुंड, वहाँ सब जगह दवाई डले। क्या सबसे ज्यादा दवाई का वो डल पानी को साफ करना, स्वच्छ करना, जो गंदे उसको सबको हटाना। यह श्याम कुंड है, वो राधा कुंड बीच में गिरिराज। जगह पानी में हाँ आज में कर लो, मुझे भी दे दो। गिरिराज की जीवा है, पूरी तलकम ललाट पटली किस तरह को सुनम नासा कल तुम कतली वेणु कतली कंतर सर्वांग ये गिरिराज की जीवा है। जीवा रघुनाथ दास को समझे वो आते थे यहाँ पर, तो वो
राधा कुंड श्याम कुंड में डायरेक्ट प्रवेश नहीं करते थे, पैर में गंदे किए थे, उधर एक कुआ है उससे पानी को पानी गोपी का पानी निकाल करके पैर धोकर जाते थे। लेकिन एक दिन जब उन्होंने पानी निकाले उसमें ये गिरिराज अपने फिर गिरिराज स्वप्न दिया, बोले ये जो चीज मेरी जीवा है, मेरी जीवा है, इसलिए गिरिराज की जीवा है। आइए मैडम। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम अमेरिका का माता जी बनाया, अपना अपना कलर वगैरह सामने किया, चार पांच उसको अच्छी तरह से मैंने धोया था, धोती था देखी करती। अरे बाबा घूमो समझ में आएगा नहीं आपको, भागना नहीं चाहिए, भागना ही बोले थे वो, समझ में आ रहा था नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, भागना था नहीं। और दादा केवल क्या हो रहा है जैसा नहीं है हमारा जो देख के वृंदावन जैसा नहीं है। अजय कुछ नहीं कहेंगे बच्चे, कुछ नहीं कहेंगे कसम से, देखो मोबाइल ऐसे लेके चल सकते हो वृंदावन? नहीं लेके चल सकते, आप चश्मा लगा के चल सकते हो वृंदावन? हाँ मेरी की धोती पकड़ ली थी जब पूरा ललिता का।
बना नहीं दिए तो 5,000 वर्ष पहले इस लीजिए फोटो वगैरह हाँ ले ली आराम जय हो हरे कृष्ण हरे वो जय हो अंदर हटा दी ये इस्तेमाल कर लगा दिया ना अच्छा सब सब बंद करा दिए बहुत है।
नहीं कर रहा बाबा, नहीं कर रहा, माफ कर। जगह ही बनाई है, आप लोग से आगे बोलिए। अभी तो पावन है तो जगह जैसे नहीं होगा। आप लोग इस सर्दी में नहाने के दौरान उनके साथ में रहने, जालू की माता मैं अधैता चाहिए ना, बताए अधैता सबसे करने के लिए वो माता ही है। आज वो जो कहते हैं ब्राह्मण आया था ना उनके घर में, सुबह की इतनी भूमिका रखा था तो ब्राह्मण भोग लगा था बार बार, आज पाले का उठा रहा है छठ दिन से जगह जो मदद कर दिए। कहते ही ब्राह्मण, कहते ही ब्राह्मण आया था ना एक यात्रा कर रहा है भाई, ये नहीं वो तो कुछ कंपनी का नाम वहाँ से छोड़ दिया हूँ ना। अच्छा, तो यहाँ आया तो देखी चला रहा था, यहाँ भूल गए देखी लगा दिए। चलो अच्छा, ये केमिकल डाल रहे हो, अभी लाइट है। अरे महाराज जी आपने देखा होगा कहाँ पे देखा था भागवत नगर पचपन में। उसकी बना लेते हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं जी। अरे बुआ बुआ, ये मैं क्या बोल रही थी अभी ना, मैं बंदर से डर रही थी कि बोले तो जी मत बेटा। परिक्रमा करते हुए आए थे ना, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इन्होंने विश्राम किया, बैठे थे भक्तों के साथ, कीर्तन किया था, कथा करी। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए महाप्रभु बैठे यहाँ से बैठ के आई शागी चलियो थोड़ा सा मैंने कहा। नारायण कौन है,
ऐसा ही यार फर्स्ट है। हाँ तो ना राजा के राज्य में चले गए, कोई दिन नहीं गई भगवान महाराज प्राची ने प्राची मंदिर प्राची मिले बोले थे ना अकबर की समय चली गई थी, अब कभी नहीं गई थी, अकबर भी भक्त की रह गया था भगवान। सब ले लेना अपना चरणों में लगाया नहीं है ना, नित्यानंद बाबू का दिखाते हैं। दुकान से खाना खा लेंगे, कुछ पैसा दे सकते कर दो कोई बात नहीं, सबको आनंद होगा। कर दो मैंने दिया 50 रुपये और दे दो, सब लोग का हो जाता है क्या? जाओ बेटा आनंद हो। हाँ जी हरे कृष्ण। बंद कर दो ना थोड़ी देर बाद।